और दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग 19 मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित प्रदर्शन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली के लोगों का भला हो सकता था, जिससे उन्हें साफ पानी मिल सकता था। आज वो सारा पैसा शराब व्यापारियों को देकर पीछे से मनीष सिसोदिया अपने अकाउंट में मंगवा रहे। दर्द को समझने की आवश्यकता है, ये हम ही नहीं कह रहे हैं। आज दिल्ली की हर गली में यही कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए यही कह रहे हैं, और कहने के पीछे रीजन है। आज दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का, जिस पैसे से उनका भला हो सकता था, जिससे उनको साफ पानी मिल सकता था, आज वो सारा पैसा शराब व्यापारियों को देकर और पीछे से अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हो जाए, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा न हो, जांच को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक ले जा करके इनके बेईमानी के तह तक नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं।